किसान भाइयों नमस्कार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग में किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों के भाव को लेकर आने वाले दिनों में सरसों का क्या भाव रहेगा सरसों में तेजी आएगी या मंदी किसानों का मानना है कि मार्च महीने में सरसों का क्या भाव रह सकता है सरसों को अभी बेचना चाहिए या रोकना चाहिए किसान भाइयों इस वीडियो में हम मार्च महीने में सरसों का क्या भाव रहेगा किन कारणों से सरसों के भाव में तेजी आ सकती है किसान भाइयों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी इसलिए वीडियो में तक बने रहिए और आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित हुआ मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों के भाव को लेकर आने वाले दिनों में सरसों का क्या भाव रहेगा सरसों में तेजी आएगी या मंदी किसान साथियों लगभग सभी क्षेत्रों में सरसों की कटाई होना शुरू हो चुकी है अभी मौजूदा सरसों भाव की बात करें तो अभी सरसों का भाव सात हजार से सात हजार पांच सौ प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों का भाव बना हुआ है सरसों के भाव में दिन प्रतिदिन तेजी देखने को मिल रही है किसान भाइयों बात करें मार्च महीने में सरसों का क्या भाव रहेगा सरसों में तेजी आएगी या मंदी किसान भाइयों सभी क्षेत्रों में सरसों की कटाई होना शुरू हो चुकी हैं इनमें से बहुत से किसान भाई सरसों का स्टॉक भी करेंगे और बहुत से किसान भाई सरसों को बेचेंगे भी सही किसान भाइयों अभी मार्च महीने की शुरुआती दिनों में इन दिनों में मंडियों में सरसों की अच्छी खासी आवके देखने को मिल सकती है जिसके चलते सरसों के भाव में मंदी भी देखने को मिल सकती है अगर मंडियों में सरसों की आवकें ज़्यादा होती हैं तो सरसों की मांग भी घट सकती हैं जिसे सरसों के भाव में मंदी भी देखने को मिल सकती है किसान भाइयों फिर आने वाले समय में अगर मंडियों में सरसों की आवकें कम होती हैं और सरसों की अच्छी खासी मांग होती है तो सरसों के भाव में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है किसान भाइयों अनुमान तो यही है कि आने वाले दिनों में सरसों के भाव में काफी सुधार देखने को मिलेगा उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें